संजीव कपूर किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब बनाते हैं वर्ल्ड फेमस डिश, और उस डिश का नाम है बटर चिकन। जी हाँ, मक्खनी मुर्ग, मुर्ग मक्खनी। इसमें जो ग्रेवी है उसमें ही सबसे ज़्यादा कमाल है। तो शुरुआत करते हैं ग्रेवी से, और उसके बाद चिकन किस तरह से करना है। नहीं, एक काम करते हैं, चिकन को थोड़ा सा पहले मैरिनेट करके रखना है, तो वो कर लेते हैं। और ये मैं बोनलेस चिकन से बना रहा हूँ। ये चिकन मेरे पास है, और इसमें हम डाल लेते हैं नमक, और नमक के साथ साथ इसमें डालते हैं लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लें जिसमें रंग ज़्यादा हो और तीखापन कम। और उसके बाद इसमें हमने डालना है नींबू, तो नींबू का रस इसमें हम डाल लेते हैं, ये लीजिए। लेकिन ये जो है एक तरह से फर्स्ट मैरिनेट है, उसके बाद में दही वगैरह डाल के फिर दोबारा हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो ये फर्स्ट मैरिनेट के अंदर ये चिकन रख देते हैं, लाल मिर्च, नमक, नींबू का रस, और इसे रख देते हैं फ्रिज के अंदर। और अब ये टमाटर ले लेते हैं, टमाटर चाहिए हमें ग्रेवी के लिए, ये ले लेते हैं। और इसे हमने लेकर इसका प्यूरे बनाना है, फ्रेश टमेटोज, थोड़ा सा पानी ताकि ये अच्छी तरह से पिस जाएं। ये टमाटर हो गए, बढ़िया लाल टमाटर। जो मखनी ग्रेवी है उसके लिए टमाटर जो है उसको या तो आप पका कर पीस सकते हैं, नहीं तो पीस कर पका सकते हैं। टमाटर जो है, अब देखिए वैसे बहुत बढ़िया लाल है, लेकिन जैसे जैसे पकता है इसमें एक चीज़ होती है लाइकोपीन, जो सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है, लेकिन उसका जो रंग है वो भी पकते पकते और बढ़ता है। तो ये जो है इसका रंग कैसे बढ़ेगा मैं बताता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए पहले थोड़े से कुछ मसाले, और मक्खनी है ग्रेवी तो ये मक्खन चाहिए हमें, तो ये मक्खन ले सकते हैं। अगर आप टमाटर पीस के इसमें डाल रहे हैं तो उस केस में जिंजर और गार्लिक पेस्ट डालें, नहीं तो कटा हुआ भी डाल सकते हैं अगर बाद में पीस रहे हैं तो। और अब इसके अंदर हम डालेंगे इलायची, खुशबूदार इलायची, हरी इलायची ये इसके अंदर। और उसके बाद इसमें हम डालते हैं ये मेस, मेस यानी जावित्री, लेकिन खुशबू बड़ी अच्छी होती है। नटमेग के ऊपर जो जायफल है उसके ऊपर ये होती है, और इसका नाम जावित्री। और ये मक्खन इससे पहले कि जले इसमें हम डाल देते हैं ये अदरक की पेस्ट और लहसुन की पेस्ट। ये दोनों चीज़ें डालकर इसे हम पका लेते हैं। और अब इसके अंदर ये फ्रेशली प्यूरेड टमेटो, ये टमाटर, इसमें डाल देते हैं नमक और मिर्च। तो ये नमक, सॉल्ट और लाल मिर्च पाउडर ये डाल देते हैं इसके अंदर, और अब इसे पकने देते हैं, ज़रा मिक्स करके पकने देते हैं। तो चलिए, चिकन जो है उसे मैरिनेट करके रखा है, लेकिन फर्स्ट मैरिनेट किया है, उसका दूसरा मैरिनेट अभी हमने तैयार करना है। जो मखनी ग्रेवी है, बटर चिकन की जो ग्रेवी है उसकी काफ़ी तैयारी कर ली है हमने। और यहाँ पर ये मेरे पास गैस तंदूर है। जी हाँ, अगर आपके पास तंदूर नहीं है तो अवन में भी बना सकते हैं आप इसको, जहाँ चिकन जो है उसे पकाना पड़ता है। अभी तो चिकन मैरिनेट है, ये ग्रेवी पक रही है, ये तंदूर रेडी करेंगे, बाकी सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को साथ में मिलाकर बनेगी वर्ल्ड क्लास रेसिपी बटर चिकन। और ये जो बटर चिकन है ये आज के हिसाब से है, पुरानी बटर चिकन रेसिपी नहीं है। जो बरसों पहले, आज से 10-15 साल पहले जो बटर चिकन बनता था वो फ़र्क होता था, अब क्या फ़र्क आया है, क्या नया बना है, जितनी रेसिपीज हैं उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क आता है समय के साथ साथ। चिकन मैरिनेट किया हुआ है, ग्रेवी पक रही है, चिकन फर्स्ट मैरिनेट हमने उसमें लगाया है, जो मैरिनेट किया हुआ है हमने, इसके साथ दही जो है ज़रा गाढ़ी लें इसमें, थिक योगर्ट ये ले लेते हैं, और ये मैरिनेट तैयार करेंगे इसका हम। और इस मैरिनेट के लिए इसमें जिंजर और गार्लिक की पेस्ट ये डालेंगे,
ये इसके अंदर, इसके साथ साथ इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक, इसके अंदर ये मैरिनेड, गरम मसाला पाउडर, और ये सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है हमने दही के साथ। ये सारे मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब मिक्स कर लिया हमने। तो ये जो चिकन है ये इसके अंदर, तो ये दही के साथ ढेर सारा मैरिनेड। लुक एट दिस, ये असली कलर है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि एकदम रंग दिख रहा है चिकन के ऊपर, तो इसका मतलब है उस पर आर्टिफिशियल कलर लगा हुआ है। और अब इसके अंदर टच पंजाब का, रेस्टोरेंट का, और ऐसी चीज़ जो बहुत कम लोग बताते हैं, इसमें डालते हैं मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ये इसके अंदर। घबराइए नहीं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और मस्टर्ड ऑयल डालकर अब चिकन को इसमें मैरिनेट करने के लिए रख दें, और जितना मैरिनेट आप होने के लिए रखेंगे कम से कम 2 घंटे के लिए रखें, बढ़िया टेस्ट आएगा। और इस तरह से चिकन को मैरिनेट करके आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी रख सकते हैं। ये हो गया चिकन तैयार, तैयार नहीं, मैरिनेट में चिकन तैयार। अब ये जो तंदूर है इसमें चिकन रख देते हैं। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, ये इस पे चिकन रखूँगा मैं, तो थोड़ा सा तेल लगा देता हूँ। वैसे तो ये नॉन स्टिक है, लेकिन फिर भी तेल लगा देता हूँ मैं। और उसके बाद ये जो चिकन के पीसेस, ये इस पे रख देते हैं हम, और इसको पकने देंगे हम, ये चिकन के पीसेस। वाह, आवाज़ तो बड़ी अच्छी आ रही है। अब देखते हैं कि पकता कैसा है इस तंदूर के अंदर। मुझे लग तो रहा है कि अच्छा पकेगा, लेकिन फिर भी पका के ही पता चलेगा। इसको ढक देते हैं और इसे पकने देते हैं अपनी इस हीट के अंदर, और गर्म होके ये जो है अच्छी तरह से एक कन्वेक्शन ओवन बन जाएगा। और ग्रेवी पे वापस चलते हैं। ग्रेवी का क्या हाल है? मक्खनी ग्रेवी, टमाटर पक के रंग तो बहुत अच्छा हो गया है इसका, काफ़ी स्मूथ भी हो गई है। अगर आपको ये इलायची, जावित्री वगैरह नहीं चाहिए तो आप इसको छान सकते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिखने में भी अच्छी लगती है। और अब इसके अंदर हम डालते हैं थोड़ी कसूरी मेथी। जी हाँ, कसूर, कसूर जो जगह है वहाँ की बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं, वहाँ की मेथी भी मशहूर है। मेथी धूप में पत्ते उसके सुखाए हुए, सूखने के बाद में उसको हाथ से क्रश करके, अगर सॉफ्ट हो तो थोड़ा तवे पे उसे भून लें, नहीं तो माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म करके फिर उसे क्रश करें, पाउडर करें, छान के इस ग्रेवी में डालना है। इसके साथ में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये कसूरी मेथी इसके अंदर, और इसे मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ साथ इसमें शहद या चीनी ये डाल देते हैं, और थोड़ा सा बटर ब्लेंड कर लेते हैं इसके अंदर। भाई मक्खनी ग्रेवी है, कम डालना चाहें तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा तो डालना ही पड़ेगा। और फिर धीमी आंच पर पकने देते हैं ग्रेवी को, ताकि और पक जाए बढ़िया से। और चिकन का क्या हाल है वो चेक कर लेते हैं। गरम, काफ़ी गरम हो रहा है ये, तो इसे पकने देते हैं। तो चलिए, जो चिकन टिक्का है वो पक रहा है, मखनी जो है वो पक रही है। ये जो मखनी की ग्रेवी है ये प्योर वेजिटेरियन है। जी हाँ, इसके अंदर चिकन वगैरह कुछ नहीं है। आप चाहें तो पनीर डालें, बन गई है पनीर मखनी। अगर आप इसमें चिकन डालेंगे तो बन जाएगा बटर चिकन। ये मैंने बोनलेस चिकन डाला है, विद बोन भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो चिकन है इसको हम गैस ओवन में बना रहे हैं, आप नॉर्मल इलेक्ट्रिक ओवन में भी बना सकते हैं, आप ग्रिलर के अंदर बना सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं मिले तो तवे के ऊपर भी पका कर इसके अंदर डाल सकते हैं आप। खैर, करना ये है कि जो भी आप इसके अंदर डालें वो चीज़ पहले से पकी हुई होनी चाहिए, फिर सिर्फ फिनिश करना है। ये जो ग्रेवी है ये बढ़िया दिख रही है मुझे, फैंटास्टिक, अच्छी पक चुकी है ये ग्रेवी। अच्छा, चिकन का क्या हाल है? वाओ, लुक एट दिस, ये जो चिकन है इसे थोड़ा सा बेस्ट कर लेते हैं हम, ताकि ये चिकन नाइस एंड मॉइस्ट हो जाए। तो ये चिकन के ऊपर थोड़ा तेल लगा लें, ये
तेल और ये चिकन दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, ये लगता है पूरा पक तो चुका ही होगा। थोड़ी सी बेस्टिंग कर दी, तेल लगा दिया इसके ऊपर और थोड़ी सी देर करीब 2-3 मिनट और पकाना है। इसे तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरह से गल ना जाए। ग्रेवी पक चुकी है, बस फिनिश करना है हमें। इसमें डालते हैं फ्रेश क्रीम, ये लीजिए फ्रेश क्रीम इसके अंदर, और थोड़ा सा गरम मसाला इसके अंदर, गरम मसाला पाउडर फ्रेशली ग्राउंड, अगर घर में पिसा हुआ हो तो बहुत बढ़िया है। उसके अंदर एरोमेटिक स्पाइसेस डालें, उसके अंदर इलायची छोटी बड़ी, लौंग, दालचीनी, थोड़ा जीरा, थोड़ी काली मिर्च, और ये सारे एरोमेटिक जितने भी स्पाइसेस हैं वो डालकर उसे पीसें और एयर टाइट कंटेनर के अंदर बंद करके रखें। अच्छा, ये जो ग्रेवी है, क्रीम डालने के बाद देखिए क्या बढ़िया हो गई। बस अब मैं ज़रा इसे 2 मिनट ढक देता हूँ, ये चिकन का हाल क्या है देख लेते हैं। एकदम बढ़िया पक चुका है चिकन, और अब एक बार इसको निकाल के जो पीसेस बड़े हैं, अब जैसे ये बड़ा पीस है ये देख लेते हैं, काट लिया। चिकन पूरी तरह से गल चुका है, बस पीसेस जो बड़े हैं उसे काट लेते हैं। ये लीजिए बड़े पीसेस काट के, और फिर इसे हम डाल देंगे ग्रेवी के अंदर और मिक्स करेंगे। ये चिकन हो गया, गर्मा गर्म चिकन के पीसेस इसके अंदर, वाह, ये बन रहा है बटर चिकन हमारा। अच्छा, ये जो चिकन है, चिकन के पीसेस, आप चाहें तो इसको भी परोस सकते हैं। ये हो गया चिकन टिक्का। चिकन जो है उसे पकाने के बाद बस 5-7 मिनट धीमी आंच पर ग्रेवी में पकने दें, और उसके बाद गर्मा गर्म नान या रोटी या पराठा उसके साथ इस बटर चिकन को सर्व करें। बच्चों को बहुत पसंद आता है, मेरी जो डॉटर्स हैं उनकी फेवरेट डिश है बटर चिकन। हाँ, लेकिन उसमें वो ये कहते हैं कि मेरी जो सिस्टर है उसके हाथ का बटर चिकन उनको ज़्यादा पसंद है। मेरी फेवरेट रेसिपी, लेकिन मेरी बहन मेरे से अच्छा बनाती है। खैर, आप तो यही बनाइए, बढ़िया है, बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा। बटर चिकन बनाने के लिए आपको चाहिए 400 ग्राम हड्डी रहित चिकन 1.5 इंच के टुकड़ों में कटा हुआ, एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार और 2 बड़े चम्मच मक्खन। चिकन का मैरिनेट बनाने के लिए आपको चाहिए 1/2 कप गाढ़ी दही, 2 छोटे चम्मच अदरक की पेस्ट, 2 छोटे चम्मच लहसुन की पेस्ट, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल। मक्खनी ग्रेवी के लिए आपको चाहिए 12 मध्यम आकार में कटे हुए टमाटर, 4 बड़े चम्मच मक्खन, 4 छोटी इलायची, 1 ग्राम जावित्री, 1 छोटा चम्मच अदरक की पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लहसुन की पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच लाल देगी मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच शहद और 3.5 बड़े चम्मच ताजी क्रीम। बटर चिकन बनाने के लिए चिकन में फोक से छेद करें और उसे नमक, लाल मिर्च पाउडर और नींबू का रस लगाकर 30 मिनट फ्रिज में मैरिनेट करने रखें। चिकन का दूसरा मैरिनेट बनाने के लिए एक बोल में दही, अदरक की पेस्ट, लहसुन की पेस्ट, मिर्ची पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर और सरसों का तेल मिलाएं। अब चिकन इसमें अच्छी तरह मिलाएं और ढककर फ्रिज में 2 घंटे के लिए मैरिनेट करें। ग्रेवी के लिए टमाटर की प्यूरी बना लें। अब एक नॉनस्टिक पैन में 2 बड़े चम्मच मक्खन धीमी आंच पर गरम करें और इसमें हरी इलायची और जावित्री भून लें। अब इसमें अदरक की पेस्ट और लहसुन की पेस्ट 1 मिनट तक भूनें। उसमें टमाटो प्यूरी, नमक, लाल मिर्च पाउडर मिलाएं और 15 से 20 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह पकाएं। गैस पर तंदूर गरम करने रखें। तंदूर का ढक्कन खोल दें और प्लेट पर तेल लगाएं। अब इस प्लेट पर चिकन रखें और ढक्कन लगा दें और चिकन को पकाएं। अब ग्रेवी में कसूरी मेथी मिलाएं और बाकी का मक्खन मिलाकर उसे 2 से 3 मिनट तक पकाएं। अब शहद और क्रीम ग्रेवी में मिलाएं और 2-3 मिनट तक इसे पकाएं। फिर चिकन मिलाएं और 3 से 4 मिनट तक इसे और पकाएं। अब इस गर्मा गर्म बटर चिकन को गर्मा गर्म नान के साथ परोसें।